लेकिन हमारी गाड़ी का बोनट गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कूलेंट पूरा निकल गया है, इसका डब्बा टूट चुका है, ये ग्रिल गया, हेडलाइट गया, बम्पर फट गया, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज, आगे से आप देख सकते हो गाइस कितना डैमेज है। मेरे गाड़ी में 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, एसी का हर चीज़ कंडेंसर वगैरह सब कुछ ख़राब हो चुका है, दोनों हेडलाइट्स, बम्पर, रेडिएटर, हर चीज़, ग्रिल वगैरह सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ चेंज होगा, 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। जब आप नया इंश्योरेंस लेते हो या फिर रिन्यू कराते हो इंश्योरेंस को, तो आपको सिर्फ क्या है ना कि 2 बार आपको बस खाली मौका मिलता है, आप सिर्फ फाइल चार्ज दो, गाड़ी लेके जाओ, 0 डेप्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जैसे ही तीसरा होता है आपको देना पड़ता है 50% आप दोगे, जितना भी डैमेज रहेगा, जितना भी खर्च आएगा, 50% इंश्योरेंस कंपनी देगी। अगर मैं जो इंश्योरेंस लिया हूँ वो इंश्योरेंस मैं नहीं लिया रहता तो गाइज मुझे 1 लाख रुपया खुद से देना पड़ता, अगर 2 लाख मेरी गाड़ी में लगता तो 1 लाख मुझे देना पड़ता, 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी देती, लेकिन अभी मुझे सिर्फ फाइल चार्ज देना है। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो गाइस देखो क्या हो चुका है हमारी अल्ट्रोस के साथ, ठीक है। कल इसका एक्सीडेंट हो गया था मेरे बड़े भैया से, ठीक है, वो मतलब गाड़ी लेके जा रहे थे तो रोड पे अचानक से एक गाय आ गई और गाय इसके ऊपर ही आके मतलब लाइक ऐसा है ना कि कूदी पूरा, ये पूरा देखो डैमेज हो गया। गाड़ी से जब गाय को टक्कर लगा, गाय तो बहुत दूर मतलब उड़ के चली गई, लेकिन वो सेफ थी, भैया गाड़ी खड़ा करके जाके देख के आया था, गाय बिल्कुल सेफ थी, लेकिन हमारी गाड़ी का बोनट गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कूलेंट पूरा निकल गया है, इसका डब्बा टूट चुका है, ये ग्रिल गया, हेडलाइट गया, बम्पर फट गया, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज, आगे से आप देख सकते हो गाइस कितना डैमेज है, आगे से पूरी गाड़ी लग रहा है कि मतलब ख़त्म ही है एक तरीके से, लेकिन फिर भी बहुत बच गया क्योंकि टाटा का बिल्ड क्वालिटी था तो बच गया गाड़ी मेरा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेजर हो सकता था एक्सीडेंट। गाइस अगर इसके जगह कोई और कार होती, लाइक बलिनो होती, स्विफ्ट होती, तो पक्का बता रहा हूँ इंजन तक इम्पैक्ट पड़ा रहता, लेकिन इसमें इंजन तक इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। और टाटा की बिल्ड क्वालिटी को मैं आज जान गया, सच में मैं सुना था, देखा था यूट्यूब पे, लेकिन जब खुद के गाड़ी पे हुआ तो पता लग रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, कल रात से मैं सोया नहीं हूँ, सोच रहा था कब सुबह होगा, कब सर्विस सेंटर लेके जाऊँगा। तो गाइस ये वीडियो पूरा आखिरी तक एंड तक देखना गाइस, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा इंश्योरेंस मैं लिया था जिससे मुझे फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, सब कुछ आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखोगे आपको पता लगने वाला है कि भाई अगर आप कोई गाड़ी लेते हो तो उसका किस तरीके का इंश्योरेंस कराना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बहुत सारी नॉलेज अगर आप कोई भी कार ओन करते हो आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। मेरी कार तो लग गई, अभी इसको लेके चलेंगे सर्विस सेंटर में, दिखाएंगे क्या कुछ कॉस्ट बैठता है, कितना इंश्योरेंस वगैरह मेरा मिलता है, क्योंकि मैं पहले से 2 इंश्योरेंस ले चुका हूँ, तीसरा लेने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो 2 इंश्योरेंस ही 1 साल में आप 0 डेप्थ ले सकते हो, तीसरा लोगे तो 50% आपका लगेगा और 50% लगेगा वो जो होता है इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है गाइस, मेरे में नहीं लगने वाला है क्योंकि मैं अनलिमिटेड वाला इंश्योरेंस लिया था। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या सही में अनलिमिटेड वाला इंश्योरेंस था या फिर सिर्फ वो जो सेल्समैन था इंश्योरेंस कंपनी का वो सिर्फ अपना इंश्योरेंस बेचने के लिए मुझे ऐसा बोला था। आज पता लग जाएगा तीसरा क्लेम है 1 साल के अंदर इस गाड़ी पे। मेजर एक्सीडेंट जब से मेरी गाड़ी में लिया हूँ ये मेजर एक्सीडेंट है, मतलब मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मेजर है, ठीक है। बाकी रेडिएटर वगैरह तो सेफ मुझे लग रहा है, नीचे कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, जो इम्पैक्ट आया यहीं पे आया है, ठीक है। सो गाइस चलिए इसको लेके चलते हैं सर्विस सेंटर, हालांकि सर्विस सेंटर में मुझे वो ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बनाऊंगा और आपको एंड में बताऊंगा गाड़ी में। अब इस चैनल पे पूरा अपडेट आपको गाड़ी का मिलेगा, कब बनी, कितना टाइम लगा, मैं सर्विस सेंटर बीच बीच में जाके पता भी करता रहूंगा, सारा अपडेट दूंगा। फिलहाल चलते हैं सर्विस सेंटर, देते हैं गाड़ी को, देखते हैं क्या वो लोग बोलते हैं, क्या कुछ होता है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर, क्योंकि 10 बजने वाला है, सर्विस सेंटर ओपन होने वाला होगा। जैसे ही ओपन होगा मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुरंत आज ही पहुँच जाऊँ, ताकि आज ही जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, जो सर्वेयर होते हैं, आके मेरी गाड़ी का सर्वे कर दें और अप्रूवल आज दे दें, क्योंकि शायद सैटरडे संडे को इंश्योरेंस में काम नहीं होता है तो 2 दिन मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ ताकि मंडे से मेरे गाड़ी में काम चालू हो जाए, ठीक है। अगर टाटा वालों के पास पार्ट्स अवेलेबल होगा तो जल्दी मेरी गाड़ी मिल जाएगी। चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर दोस्तों। सो गाइस पता नहीं क्या हो गया यार गाड़ी में कि इसका एसी नहीं चल रहा है, गाड़ी लड़ी है आगे से वो मुझे पता है, लेकिन गाइस एसी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं एसी को बंद कर दिया हूँ। यहाँ पे खाली हवा आ रहा है, देखो आप, खाली हवा आ रहा है। और गाइस ये बहुत गर्म हवा आ रहा है, ठीक है,
मैं कांच चारों ऊपर किया हूँ क्योंकि गाइस बाहर का शोर आएगा, काफी गर्मी हो रहा है। लेकिन गाइस मैं ये बताना भूल गया था आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में वीडियो के कि इसका एसी भी काम नहीं कर रहा है। चल के वो भी दिखाएंगे, देखते हैं क्यों नहीं एसी काम कर रहा है। वो तो गाड़ी प्रॉपर जब बन जाएगी तभी सब कुछ वो लोग फाइनल करके देंगे, लेकिन एक बार पूछेंगे भैया एसी में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, एसी में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, गाड़ी लड़ी है तो उसमें एसी में क्या ही दिक्कत हो सकता है, आगे से लड़ी है एसी में क्या दिक्कत हो सकता है, तो एक बार पूछते हैं जानते हैं। चलिए पहले चलते हैं सर्विस सेंटर, अभी हमारे घर से लगभग 2-4 किलोमीटर दूर है सर्विस सेंटर, 4-5 किलोमीटर, तो चलते हैं सर्विस सेंटर, देखते हैं भाई क्या वो लोग बोलते हैं, क्या कुछ रहता है, पूरा मैटर समझते हैं, सुनते हैं। किसकी नज़र लग गई है यार, पता नहीं किसकी नज़र लगी है गाइस, मतलब लाइफ में कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है, गाड़ी भी लड़ गई, काम भी अच्छा नहीं चल रहा, अभी पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा आता है ना लाइफ में लोगों के बहुत खराब फेस, कुछ महीनों के लिए आता है, मेरा गाइस लगभग 1 साल होने वाला है, ये खराब फेस मेरा खत्म ही नहीं हो रहा है, खराब फेस है ही, मतलब ये मतलब लगा ही हुआ है, मतलब खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाड़ी लड़ गई, बहुत सारे काम पेंडिंग है जो नहीं हो रहे हैं, तो ये पता नहीं क्यों ये खराब टाइम बीत ही नहीं रहा है, पता नहीं कब बीतेगा। लेकिन हाँ चलो, एक कहावत है ना, ये समय भी बीत जाएगा, तो बस उसी पे हम अमल करते हुए चल रहे हैं, निराश नहीं होना है जिंदगी में। हालांकि मेरा भैया गाड़ी चला रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी हम नया लाएंगे यार, इतना किए हैं अपने दम पे और भी करेंगे, नई गाड़ी ला देंगे, लेकिन भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, घर वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो मुझे गाड़ी का बिल्कुल दुख नहीं है। हाँ थोड़ा दुख है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा भाई सेफ है, वो जो गाय गाड़ी से लड़ी थी वो सेफ है, सब कोई सेफ है, किसी को कुछ हुआ नहीं। क्योंकि गाइस अगर उस गाय को कुछ भी हो जाता मेरे गाड़ी से ना, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे गाड़ी से मतलब किसी पशु की जान चली गई, वो बच गई गौ माता, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है भाई मेरा सेफ है, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ हुआ है। और गाड़ी तो बन जाएगी यार, गाड़ी तो लड़ती उड़ती रहती है, उसमें उतना टेंशन नहीं है, बस मेरे इंश्योरेंस का मुझे डर है कि भाई मेरा तीसरा जो है अनलिमिटेड, अगर वो इंश्योरेंस वाला बोला था कि अनलिमिटेड आपको क्लेम मिलेगा तो अनलिमिटेड मिलना चाहिए, तीसरा है पूरा जीरो डेप्थ मिलना चाहिए गाइज मुझे, मुझे कुछ भी अपने पास से नहीं देना पड़े, ऐसा ही हो गाइज, मुझे बस फाइल चार्ज देना पड़े, होप सो, देखते हैं क्या होता है। चलिए आप चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर और वहीं पे मिलते हैं आपसे। सो गाइज गाड़ी में इंश्योरेंस में दे चुका हूँ, ठीक है अभी मैं बाहर निकल के प्रॉपर आपसे बात करता हूँ, क्या कुछ है पूरा, क्या क्या मुझे क्लेम में मिलने वाला है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा गाड़ी से बाहर निकल के, अभी गाइज मैं बाहर निकल के आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए पहले बाहर चलते हैं, अभी मैं गाड़ी को दे चुका हूँ, यहाँ मैं देख लीजिए टाटा के सर्विस सेंटर में हूँ, अभी बाहर निकल के मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ है पूरा डिटेल, क्योंकि यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता, मना है यहाँ पे वीडियो बनाना, तो चलिए बाहर चलते हैं। सो गाइज अभी मैं सर्विस सेंटर से बाहर आ चुका हूँ टाटा के, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को देखना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं स्टार्टिंग में बोला था वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत काम का है, वो इसलिए क्योंकि गाइज मेरा ये तीसरा क्लेम है इस साल का, ठीक है तीसरा। ज़्यादातर आप देखोगे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं सिर्फ 2 जीरो डेप्थ आपको इंश्योरेंस क्लेम देती हैं, 2 बार गाड़ी लड़ गई आपको मतलब सिर्फ फाइल चार्ज देना रहता है 2 बार, जब आप नया इंश्योरेंस लेते हो या फिर रिन्यू कराते हो इंश्योरेंस को, तो आपको सिर्फ क्या है ना कि 2 बार आपको बस खाली मौका मिलता है, आप सिर्फ फाइल चार्ज दो गाड़ी लेके जाओ 0 डेप्थ इंश्योरेंस। उसके बाद जैसे ही तीसरा होता है आपको देना पड़ता है 50% आप दोगे, जितना भी डैमेज रहेगा जितना भी खर्च आएगा 50% इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन मेरे में तीसरा वाला भी बिल्कुल फ्री है, मतलब जो तीसरा वाला मेरा इंश्योरेंस अभी मैं जो क्लेम किया हूँ ये भी मेरा 0 डेप्थ है, मुझे सिर्फ फाइल चार्ज देना है। कैसे अभी बताता हूँ, आप सभी लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ गाइज, आप सभी लोगों का काफी ज्यादा पैसा बचने वाला है। मेरे गाड़ी में 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, एसी का हर चीज कंडेंसर वगैरह सब कुछ खराब हो चुका है, दोनों हेडलाइट्स बम्पर रेडिएटर हर चीज ग्रिल वगैरह सब कुछ खत्म है, सब कुछ चेंज होगा, 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। अगर मैं जो इंश्योरेंस लिया हूँ वो इंश्योरेंस मैं नहीं लिया रहता तो गाइज मुझे 1 लाख रुपया खुद से देना पड़ता, अगर 2 लाख मेरी गाड़ी में लगता तो 1 लाख मुझे देना पड़ता, 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी देती, लेकिन अभी मुझे सिर्फ फाइल चार्ज देना है। सो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्यों आखिर में 2 क्लेम के बाद भी मुझे क्यों 0 डेप्थ मिल रहा है, मुझे तीसरे क्लेम में भी क्यों सिर्फ फाइल चार्ज देना है, वो इसलिए क्योंकि गाइज मैं लिया था अनलिमिटेड 0 डेप्थ वाला पॉलिसी, अनलिमिटेड। ठीक है आपको भी हमेशा जब भी आप इंश्योरेंस लें आपको ये जरूर चेक करना है कि आपको अनलिमिटेड 0 डेप्थ वाली ही पॉलिसी लेनी है इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है अगर आप उनसे पहले ही पूछ लेना इंश्योरेंस कराने से पहले कि भाई अगर
मेरा अनलिमिटेड जीरो डेप्ट पॉलिसी है तो ही मैं ये इंश्योरेंस लूंगा, है कि नहीं मुझे बताओ। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको चिपका देंगे, सिर्फ साल में 2 0 डेप्ट का इंश्योरेंस आपको देंगे और बाकी 50-50% वाला जितनी बार आप ले लो तो उसमें आपका नुकसान है। गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी रोड पे चलेगी, भिड़ेगी, लड़ेगी, किस्मत का कोई भरोसा नहीं। गाड़ी साल में मेरी तो तीसरी बार लड़ी है, बहुत लोग की चौथी बार पांचवी बार भी लड़ती है और वो 50% खुद ही देते हैं। तो आप पहले से ही सतर्क रहो, सावधान रहो, ठीक है। आप ऐसा इंश्योरेंस लो जिसमें अनलिमिटेड आप कितनी बार भी गाड़ी लड़ाओ आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कभी भी इंश्योरेंस लो तो मेक श्योर आप उनसे पूछो कि मैं अनलिमिटेड जीरो डेप्थ इसमें कितनी बार ले सकता हूँ। अगर अनलिमिटेड बार है तभी उस इंश्योरेंस को लो। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि नहीं मेरी गाड़ी तो लड़ती ही नहीं है, 4-5 साल से आप इंश्योरेंस करा रहे हो आपकी गाड़ी नहीं लड़ रही है, तो आप जीरो डेप्थ वाला, दो बार वाला जीरो डेप्थ भी ले सकते हो। सो गाइज, यही कुछ मुझे बताना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी लोगों को बताना, क्योंकि अगर आज मैं अनलिमिटेड वाला नहीं लिया रहता तो भाई आज मेरा 1.5 से 2 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए मेरा मेरे जेब से जाता, ठीक है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी वैसे ही पैसा नहीं है और मतलब कहीं ना कहीं से देना ही पड़ता, गाड़ी तो बनवानी ही है। तो गाइज, इसीलिए मेरा ये जो था यूनाइटेड इंडिया से था इंश्योरेंस, ठीक है। ये गवर्नमेंट भैया बता रहे थे अंदर जो वर्कशॉप में थे कि ये गवर्नमेंट कंपनी है यूनाइटेड इंडिया, लेकिन अब क्या है ना कि अब यूनाइटेड इंडिया में भी नियम चेंज हो चुका है, इसमें भी सिर्फ 2 ही 0 डेप्थ आपको मिलेगा आपसे। लेकिन गाइज, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो अभी भी अनलिमिटेड 0 डेप्थ आपको देते हैं, तो आप उनसे इंश्योरेंस करा सकते हो। अगर आपका इंश्योरेंस फेल वगैरह हो चुका है, आपको इंश्योरेंस कराना है तो अनलिमिटेड आप कराना, ठीक है। बाकी अनलिमिटेड मतलब 0 डेप्थ आप ले सकते हो इंश्योरेंस, यही बेटर रहेगा। क्योंकि मेरी गाड़ी जब मैं पहले साल लिया था, दो बार लड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार अगले साल भी लड़ सकती है गाड़ी, तो इसलिए मैं अनलिमिटेड ले लिया। पिछला वाला जो मेरा था न्यू इंडिया से था, उसमें सिर्फ 2 ही मुझे मिला था 0 डेप्थ, बाकी 50-50% वाला। लेकिन इस बार मैं अनलिमिटेड वाला लिया था जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा काम में आ गया, ठीक है। मेरी गाड़ी का ये सबसे ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट था, इससे पहले मेरी गाड़ी में इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरा कभी भी नहीं हुआ है। मतलब मेरे भाई से हुआ था ये एक्सीडेंट, मेरे बड़े भैया से हुआ था। तो कोई बात नहीं गाइस, एक्सीडेंट होता रहता है, अपने तरफ से इंश्योरेंस करके मस्त रहो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। गाड़ी जितनी बार लड़े लड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट गाइस, दुख होता है, गाड़ी से हमारा बहुत ज़्यादा इमोशन और प्यार जुड़ा रहता है। अपने मेहनत से हम लोग कार खरीदते हैं, कार खरीदना कोई छोटी बात नहीं होती है, एक बड़ी बात ही होती है, ठीक है। सो गाइज, यही था आज के इस वीडियो में। बाकी गाइज, जो भी होगा कार के बारे में अपडेट मैं आपको देता रहूंगा इस चैनल पे। सो गाइज, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में कार के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।